हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी 2018 का पेपर जिसमें मैं साइकोलॉजी एंड जीके सेक्शन शेयर कर चुकी हूँ आज मैं शेयर करूँगी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सेक्शन तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी सेक्शन से जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट हारमोन दैट इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट तो ये है एपसीसिक एसिड देन एट द एम्ब्रियनिक स्टेज दैट रिजेंबल द मलबेरी फ्रूट तो ये है मोरूला नेक्स्ट ए पोलोसाइड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग तो ये बनते हैं ड्यूरिंग ओजानसिस नेक्स्ट ए सुपीरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर ओवरपेरेंटिस तो ये है हाइब्रिड विगर एंड लिथैलिटी दोनों ही ऑप्शन डी इज राइट देन है द बोन इज ऑल्सो कॉल्ड यस बोन तो एटलेस बोन को यस yes बोन कहा जाता है देन पिक अप द रोंग स्टेटमेंट तो रॉन्ग स्टेटमेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा ऑप्शन बी इज राइट देन है ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ तो ईस्ट को यूज किया जाता है ब्रेड एंड बियर की प्रोडक्शन में नेक्स्ट है साइनैप्सिस अकर इन द स्टेज तो साइनेप्सिस जो है वो अकर होती है जायगोटिनी स्टेज में ऑप्शन सी इज राइट नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इज तो वाइल्ड लाइफ सिंबल डब्ल्यू डब्ल्यू एफ है रेड पांडा के लिए देन ए टी लिम्फोसाइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन तो ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में देन ए ट्रॉपिक लेवल्स इन इकोसिस्टम आर फॉर्म बाय तो ये फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन uh, मतलब स्कॉलिडोन का है कार्टिलेजिनस फिश फिश एंड देन एग्जोसिटस का है बॉनी फिश देन डॉल्फिन का है मैमल्स एंड सीपिया का है कटल फिश नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो इज टू ये होमोलोगस है टर्निप से नेक्स्ट है इन पेरियंथ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेप्पल्स एंड पेटल्स पेरियंथ में होता है नो डिस्टिंग बिटवीन सेप्पल एंड पेटल ऑप्शन ए इज राइट देन है दिस वन इज द सिम्टम इन ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर तो ये होता है ल्यूकोसाइटोसिस नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल तो जो राइबोसोम ऑफ सेवनटी एस होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में नेक्स्ट है द टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन अमीबा आर कॉल तो इनको बोलते हैं सीडोपोडिया तो नेक्स्ट है फ्लूड मीडियम ऑफ ब्लड इज तो फ्लूड मीडियम ऑफ ब्लड है प्लाज्मा नेक्स्ट है डाइटम्स द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशीन बिलोंग टू ग्रुप तो ये बिलोंग करते हैं क्राइस से ऑप्शन ए इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिकोजेंथिन इज फाउंड इन तो ये फाउंड होता है ब्राउन एलगी में देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम तो जो मॉस है उनको बोला जाता है नेक्स्ट लाइकन्स हैव सिम्बैटिक रिलेशनशिप विद एल्गी एंड बिटवीन एल्गी एंड फंजाई एल्गी एंड फंजाई के सिम्बैटिक रिलेशनशिप से जो है वो लाइकन्स बनते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन स्पॉन्जेज ओनली तो जो स्पॉन्जेज में होते हैं न्यूमेरस इनलेट्स होते हैं वो सिर्फ स्पॉन्जेज में होते हैं इनमें से नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो क्रोकोडाइल है जो क्रोकोडाइल है उसमें फोर चैम्बर हार्ट होता है एंड जो फ्रॉग स्नेक एंड लिजर्ड है इन तीनों में थ्री चैम्बर हार्ट होता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत तरीके से पूछा है नेक्स्ट है पाइनएपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइनएपल जो है एग्जाम्पल है एग्रीगेट फ्रूट का दैन नेक्स्ट है फिलोटैक्सी रेफर टू एन अरेंजमेंट ऑफ तो ये है लीव्स अरेंजमेंट की लीव्स की अरेंजमेंट को बोलते हैं फिलोटैक्सी नेक्स्ट है निजल्स ग्रेन्यूल आर फाउंड इन द साइटोप्लाजम ऑफ दूते न्यूरोन्स के नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजुला बोथ हैव नाइन प्लस टू अरेंजमेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसेकेराइड्स आर बाउंड टूगेदर बाय तो उनमें उनमें होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नेक्स्ट है ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज तो ये होता है जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अ माइक्रो न्यूट्रियट तो इनमें से जो कॉपर है वो माइक्रो न्यूट्रियट है नेक्स्ट है रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए ट प्लेस ड्यूरिंग एस स्टेज नेक्स्ट है आर क्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट इज़ वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट इल्ड ऑफ ए टी पी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज तो ये होता है थर्टी एट ए टी पी नेक्स्ट है एक्रोमेगली इज ड्यू टू द द्रिएशन ऑफ तो ये होता है जी एच आफ्टर एडोलेसेंस ऑप्शन बी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग तो ये हनी बी में होती है नेक्स्ट इज फिलीफॉर्म अपरेटस अकर इन तो ये सिनर्जिट्स में होते हैं नेक्स्ट है द क्रॉस बिटवीन एफ एफ वन एंड रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस Next question is the polypeptide chain end at codon UAA. The next question is male gamete in angiosperm is produced by generative cell. Option A is right. Next question is a baby has been born with small tail. It is a case of exhibited in atavism. Option A. Then hai, which of the following is not a characteristic of prokaryote? So, this is centriole is not a characteristic of prokaryote. ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता, होता है मोनोहाइब्रिड रेशो इज टू ये होती है थ्री रेशो वन नेक्स्ट है फाइलोड इज अ मोडिफिकेशन ऑफ द ये होता है पीटीओल की मोडिफिकेशन देन इफ़ द बेस सिक्वेंस ऑफ वन चेन ऑफ डी एन एज ए सी जी टी टी जी सी जी टी देन वट विल बी द बेस सिक्वेंस देन ये होता है टी जी सी ए सी ए नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एंजाइम दैट टेक पार्ट इन सिट्रिक एसिड साइकिल आर लोकेटेड इन तो ये लोकेट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन वैन हार्ट बीट डिक्रीजेज तो इसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया ऑप्शन सी इज राइट द नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम इज तो दो एक्स ओ ऑप्शन डी द नेक्स्ट जनरली द फॉलोइंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कॉम्पोनेट्स ऑफ फाउंडीन मिल्क तो ये होते हैं केसिन एंड लेक्टोज नेक्स्ट है हु डिस्कवर डी एन ए टेक्नोलॉजी तो ये डिस्कवर की थी स्टेनली कून एंड हॉटबर्ट बॉय ने नेक्स्ट है अस्टीराइल स्टेमन इज नोन एज तो इसको बोलते हैं स्टेमिनोड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट आर तो ये होते हैं एलो पॉलीप्लॉइड्स नेक्स्ट है अर्बर पिटे इज़ अ पार्ट ऑफ तो ये है सेरिबेलम का नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रॉट अबाउट बाय तो ये है यू ए ए यू ए जी यू जी एन है रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम फ्लोर ऑफ ब्लड इन ब्रीडिंग न्यू वेरिएंट वेराइटीज तो इसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन ऑप्शन ए इज राइट देन है अ इज तो ये है अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल पेयर ऑफ सेंट्रियोल को बोलते हैं डिप्लोजोम देन विच इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग तो प्लाजमिट को बोला जाता है जीन टैक्सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेविल फिश इज अ तो ये है ऑक्टोपस देन इन ह्यूमन बींग द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इज तो ये होते हैं थर्टी वन पेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का तो द सिंगल भॉर्न रिनोसोरस आर रिनोसीरस आर प्रोटेक्टेड इन तो ये होते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में असम में देन अब है केमिस्ट्री सेक्शन जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कॉपर तो जो सोल्डर है ऑप्शन ए वो कॉपर कंटेन नहीं करता नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द डिनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल तो ऑल कैन बी यूज एनिमिथाइल अल्कोहल पायरेडिन कॉपर सल्फेट इन सब यूज़ कर सकते हम फॉर डी नेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल नेक्स्ट है फूड केन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विधि जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से इसीलिए जो टिन है उससे जाती है, food canes, की जाती है फूड केन्स कोट की जाती हैं नेक्स्ट है मैच करना है तो जो फ्रूथ फ्लोटेशन प्रोसेस है वो सल्फाइड ओर और कॉन्सेंट्रेटेड बाय दिस मैथड सल्फाइड ओर्स आर कंसनट्रेटेड बाय दिस मैथड फ्लो फ्रोथ फ्लोट फ्लोटेशन जो होता है वो सल्फाइड और के लिए होता है देन है टर्माइट प्रोसेस तो ये क्रोमियम ऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड थ्रू दिस मैथड देन नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन मैगने ये मैगनेट मैगनेट हेमेटाइट एक्सेट्रा इन सब के लिए होता है देन लीचिंग होती है ये प्योर ए एल टू ओ थ्री इज ऑबटेन फ्रॉम बॉक्साइड और इन द बेयर प्रोसेस बाय लीचिंग प्रोसेस तो इसकी इसका मैच सही ये है देन आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन तो जो पी बी थ्री ओ फोर है वो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेंट एज एन ऑक्सीडेंट यूज किया जा रहा है एक्ट करता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रियस तो जो आयोडिन होती है वो लस्ट्रियस नॉन मेटल होती है देन हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द सब शेल फॉर विच एन इज इक्ल टू फाइव एल इज ईक्ल टू जीरो तो ये है टू ऑप्शन ए इज राइट दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्क् मेटल तो जो कैल्शियम है वो एल्कली मेटल नहीं है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलिंग इज मोस्ट एसिडिक तो इन में से ब्यूट वन इन ब्यूट वन आइन ये जो है ऑप्शन सी ये है मोस्ट एसिडिक देन अ मिक्सचर ऑफ सेवेंटी वन परसेंट सी एस ओ फोर एंड ट्वेंटी नाइन कैम्फर ट्वेंटी नाइन परसेंट कैम्फर अटेबल टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज तो ये होती है सब्लिमेशन ऑप्शन बी इज राइट देन नेक्स्ट है द एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट फॉर वन एम

नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम तो जो मैग्नीशियम है वो कलर नहीं देता है फ्लेम को द नेक्स्ट हैंगेस्ट लिविज बे एसिड अमंग बोरान हेलाइट इज तो ये है बी आई थ्री नेक्स्ट हार्ड वाटर डज नॉट गिव गुड लेदर विद सोप बिकॉज सोप इज प्रेसिपिटेटेड एन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम स्टीरेट्स ऑप्शन ए इज़ राइट नेक्स्ट इज द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड ऑबटेन वॉज तो ये है एक्स पी टी एफ फोर ऑप्शन सी नेक्स्ट है टू अ टेबल स्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब अ पंच ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड अ गैस इवॉल्व विद हीसिंग साउंड इज तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज तो ये ओ टू नेगेटिव लार्जेस्ट है साइज में नेक्स्ट है द ओनली विटामिन विद मेटल एटम इन इट इज़ तो ये है विटामिन बी ट्वेल्व दैन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन सी आर ओ फाइव इज तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्जुकेट एसिड ऑफ ओ एच नेगेटिव इज तो ये है एच टू ओ ऑप्शन ए इज राइट नेक्स्ट है ए एल फोर सी थ्री ऑन हाइड्रोलिस तो ये देता है सी एच फोर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स हाइस्ट नंबर ऑफ एटम्स तो वन पॉइंट जीरो ग्राम ऑफ वाटर कंटेन हाइस्ट नंबर ऑफ एटम ऑप्शन ए इज राइट देन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो जो एफ ई थ्री पॉजिटिव है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट तो जो मिल्क है वो आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर इन 16 ग्राम ऑफ सोड सॉलिड सल्फर इज़ तो ये होते हैं थ्री पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन रिस्ट टूट ट्वेंटी टू ऑप्शन बी इज राइट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल एसिड तो जो फॉस्फोरिक एसिड है वो आपका मिनरल एसिड है ऑप्शन सी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट आई यू पी एस सी नेम ऑफ कंपाउंड विद मॉलिक्यूल फॉमूला सी एच थ्री थ्री सी सी एच थ्री इज तो इसका है टू टू डायमिथाइल प्रोपेन ऑप्शन बी इज राइट लास्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉज डिजॉल्व इन वाटर द सोल्यूशन दस ऑप्टेन वॉज फिल्टर टू द फिल्ट्रेट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ब्लू लिट मर एडिट देन द दोल्यूशन रिमेन ब्लू ऑप्शन ए इज़ राइट तो ये थे आपके बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री सेक्शन आई होप आपके लिए यूज़फुल होंगे अगर आपके लिए यूज़फुल होंगे आपको हेल्पफुल हो रहे हैं मेरे वीडियोस मेरे वीडियोस के कंटेंट तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू